इससे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इंसिडेंट जो हुआ है वो चिंता का विषय है निश्चित रूप से, लेकिन सभी लोग 11 के 11 परिवार के सदस्य जो फंसे थे उन सबको रेस्क्यू कर दिया गया। ये हमारे लिए बड़ी संतोष की बात है। मौसम ख़राब होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ी कठिनाई ज़रूर आई, थोड़ी नहीं काफ़ी कठिनाई आई, क्योंकि बारिश हो रही थी और काफ़ी क्लाउड्स भी काफ़ी नीचे थे, लेकिन NDRF की टीम को तुरंत मूव करवा दिया था। और मैं ख़ास तौर से अमित भाई जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, विशेष तौर से उन्हें तुरंत NDRF की टीम को मूव करवाया और एयरफोर्स की टीम को भी उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बिल्कुल तैयार करके रखा था। ज़रूरत नहीं पड़ी, अच्छी बात है, लेकिन उसके बावजूद उनका पूरा सहयोग उसमें मिला और उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और सभी जो परिवार के सदस्य सुरक्षित अब घर जा रहे हैं उनको मैं बधाई देता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ। और इस तरह के इंसिडेंट होने की वजह से एक थोड़ा सा निराशा का और थोड़ा माहौल बनता है, ख़ासतौर से जो पूरी सीज़न है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जहाँ भी इस प्रकार से हमारे हिमाचल प्रदेश में जो रोपवे लगे हैं तो उसमें टूरिस्ट की या किसी भी व्यक्ति की जो है वो जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और ठीक तरह से मेंटेन हो और नॉर्म्स के मुताबिक सारी चीज़ें वहाँ पर हों, इस बात को सुनिश्चित किया जाए। सर, छुट्टियाँ चल रही हैं, बहुत सारे टूरिस्ट हिमाचल आ रहे हैं, क्या ऐसा आगे ना हो, उसके लिए कोई आइडेंटिफिकेशन की गई है कुछ ऐसे प्लेसेस की जहाँ पर ऐसा वाक़या हो सकते हैं? देखिए, ऐसा हम मान के चले कि सब जगह ऐसी घटनाएं घटित होती रहेंगी, ऐसा तो नहीं है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में सभी लोग घूमने आए उनका अभिनंदन है, स्वागत है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हमने कहा है कि वो सुनिश्चित करें कि जहां ऐसे पॉइंट्स हैं पर्टिकुलरली जहां बरसात के मौसम में जाने में टूरिस्ट को खतरा है वहां वो अवॉइड करें, और जहां सुरक्षित स्थान है वहां ज़रूर जाएं। और कुछ बातें ऐसी घटित हो जाती हैं कि यहां की छोटी छोटी नदियां जो है वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती हैं, कई बार टूरिस्ट जाते जाते उसमें अपने पाँव डालता है, उसमें खेलने लग जाते हैं, तो इंसिडेंट हो जाता है, घटना घटित हो जाती है। तो ऐसी चीज़ों को टूरिस्ट से भी मेरा निवेदन है कि वो परहेज़ करें और अपनी सुरक्षा की जिम्मेवारी टूरिस्ट भी ले और उसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट की ओर से हमारी ओर से पूरा उसमें सहयोग रहे। सर, 92 के बाद से